गुड मॉर्निंग बच्चों, क्रिएटिव क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास टेंथ के ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला को रिवाइज करेंगे, ट्री के साथ साथ उसको प्रूफ भी करेंगे। तो चलो बच्चों, पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला। अब ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट चैप्टर त्रिकोणमिति अनुपात यानी कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में छह फॉर्मूला है। छह फॉर्मूला को पढ़ने से पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में जो एक वर्ड है रेशियो, रेशियो को समझते हैं। रेशियो जिसका हिंदी अनुपात होता है, 2:1, 2:1 इसको लिख सकते हैं, 2:1। रेशियो होता है दो सेम क्वांटिटी के बीच में रिलेशन को दर्शाता है। जैसे 1 जो है 2 का आधा है और 2 जो है 1 का डबल है, यही दोनों बीच का रिलेशन क्रिएट करता है, उसी को रेशियो बोलते हैं। नाम से भी आप वाकिफ है, रिलेशन तो रेशियो। अब इस रेशियो का हम ट्रिग्नोमेट्री में कैसे यूज करते हैं, आओ हम उसको देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में हम दो भुजा को लेकर के, दो साइड को लेकर के उसके रेशियो को निकालते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। दो साइड, एक पहला रेशियो लिए पी और दूसरा एच, पी बाय एच, इसी को बोलते हैं साइन थीटा। फिर दूसरा साइड लिए बी बाय एच, इसी को बोलते हैं कॉस थीटा। तीसरा लिए टेन थीटा, जो पी बाय बी है, पी और बी, इसी को उल्टा कर देंगे तो एच बाय पी था तो पी बाय एच था, तो एच बाय पी को बोलते हैं कॉसेक थीटा, सेक थीटा को एच बाय बी और कॉट थीटा को पी बाय बी बोलते हैं। इसको शॉर्ट में ट्रिक याद करने के लिए हम बना देते हैं। पी बाय एच, बी बाय एच और पी बाय बी, इसको याद करने का मेथड है पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। इससे तुमको याद कर लेना है, पी बाय एच को साइन थीटा, बी बाय एच को कॉस थीटा, पी बाय एच को टेन थीटा। इसको उल्टा देंगे तो कॉट थीटा, और इसको सेक थीटा, और इसको कॉसेक थीटा। यह ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का पहला चैप्टर का फॉर्मूला हुआ। अब इस फार्मूला के मदद से हम लोग बहुत फार्मूला निकालेंगे। जैसे पहला फार्मूला है टेन थीटा बराबर पी बाय बी। देखो टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। तो इसको देखना सही है कि नहीं। जैसे साइन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा बराबर पी बाय बी होता है कि नहीं, हमको ये चेक करना है। तो साइन थीटा के बदले में लिख सकते हैं पी बाय एच, और कॉस थीटा के बदले में लिख सकते हैं बी बाय एच। तो एच एच कट जाएगा तो पी बाय बी। तो टेन थीटा के बदले में हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा के बदले में टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के उल्टा होता है। जैसे टेन थीटा बराबर पी बाय बी तो कॉट थीटा बराबर बी बाय पी, जब टेन थीटा बराबर साइन बाय कॉस तो कॉट थीटा बराबर कॉस बाय साइन। देखिए साइन थीटा बराबर होता है पी बाय एच, और कॉसेक थीटा बराबर होता है एच बाय पी। दोनों को एक बार प्रोडक्ट करते हैं यानी कि गुणा करते हैं, साइन थीटा क्रॉस कॉसेक थीटा तो वन आता है। इसको प्रूफ कर देते हैं, साइन थीटा बराबर पी बाय एच और कॉसेक थीटा बराबर एच बाय पी, कट जाएगा तो वन। तो इसका मतलब है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू वन, इसलिए साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin
साइन थीटा। दूसरा फार्मूला कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो इसका भी प्रोडक्ट वन आएगा, बी बाय एच और एच बाय बी कट करके वन, तो इसलिए कॉस थीटा बराबर वन बाय सेक थीटा और सेक थीटा बराबर वन बाय कॉस थीटा। तीसरा टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा वन, इसलिए टेन थीटा बराबर वन बाय कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर वन बाय टेन थीटा। अब पहला चैप्टर का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का फॉर्मूला खत्म हो गया। अब दूसरा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एंगल पर मान ज्ञात करना है, जैसे साइन 30 डिग्री पर मान होता है वन बाय टू, ऐसे साइन जीरो पर जीरो होता है, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका हम एक डाटा बनाते हैं, आप लोग को डाटा एक बार याद कर लेना, और डाटा को याद करने का हम ट्रिक भी बतला देंगे। तो साइन जीरो पर जीरो होता है, साइन 30 डिग्री पर वन बाय टू होता है, और साइन 45 पर वन बाय रूट टू होता है, और 60 पर रूट थ्री बाय टू, 90 पर वन। और कॉस थीटा इसको रिवर्स में कर देने के बाद वन रूट थ्री बाय टू, वन बाय रूट टू, वन बाय टू, और ये जीरो। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा में भागा लगाएं तो वन से जीरो में भागा लगाएं तो कितना होगा जीरो, इसमें भागा लगाएं तो टू कट कट के वन बाय रूट थ्री, ई कट जाएगा तो वन, ये कट जाएगा थ्री, और इसमें भागा लगाएं तो इन्फिनिटी। टेन थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे का उल्टा होता है, तो ये यहाँ आ जाएगा रूट थ्री वन, वन बाय रूट थ्री, और ये जीरो। सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा वन का उल्टा वन, टू बाय रूट थ्री का टू बाय रूट थ्री, इसका रूट टू, इसका टू, जीरो बाय वन तो वन बाय जीरो का इन्फिनिटी। कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, तो इसका उल्टा वन बाय टू, या तो इसका उल्टा कर देंगे वन बाय जीरो का, तो जीरो बाय वन इन्फिनिटी, इसका दो, इसका करेंगे तो रूट टू, इसका करेंगे टू बाय रूट थ्री, और इसका करेंगे तो वन का उल्टा वन। ये डाटा वाला हुआ, ये एक्सरसाइज टू का सब सवाल बन जाएगा। और एक्सरसाइज थ्री में जो है फार्मूला, ये एक्सरसाइज टू का था, एक्सरसाइज 7.2, एक्सरसाइज 8.2, एक्सरसाइज 8.3 में जो फार्मूला है वो है सप्लीमेंट्री एंगल, जैसे साइन 90 माइनस थीटा जो होता है कॉस थीटा के बराबर होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के बराबर होता है, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा के बराबर होता है, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा के बराबर होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा के बराबर होता है। ये एक्सरसाइज 8.3 का था। और लास्ट एक्सरसाइज का 8.4, पहला उसमें फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, तो इसको साइन पी बाय एच का होल स्क्वायर, कॉस थीटा का बी बाय एच का होल स्क्वायर इक्वल टू वन, वहां था तो इसको लिख सकते हैं पी का स्क्वायर बाय एच का स्क्वायर, कॉस का बी का स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, एच का स्क्वायर पी का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से होता है एच स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, तो इसका पी का स्क्वायर और बी का स्क्वायर के बदला में लिख सकते हैं एच का स्क्वायर बाय एच का स्क्वायर इक्वल टू वन। इसी तरह हम बोल सकते हैं साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू वन होता है, ताकि हम सॉल्व करके भी दिखला दें प्रूफ के साथ। फार्मूला था
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या तो लिख सकते हैं इसको साइन थीटा बराबर दो आता इधर तो वन बाय टू, वन बाय टू को क्या बोलते हैं वन माइनस रूट अंडर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा बराबर होता है रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस मेन फॉर्मूला में यदि हम कॉस स्क्वायर थीटा से भागा दे देंगे साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा से भागा दे देंगे दोनों तरफ, इसका हो जाएगा साइन बाय कॉस को टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन कट जाएगा, वन बाय कॉस को लिखे थे सेक स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया ई वन इधर आएगा तो सेक स्क्वायर थीटा, और वन इधर आ गया तो माइनस वन। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है भी है। मेन फॉर्मूला इसको इधर लाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। यदि हम मेन फॉर्मूला ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन में हम साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे देंगे तो फॉर्मूला बन के आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, इसलिए कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट को इधर लाएंगे इसको कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत बार पूछा जाता है। तीनों मेन फार्मूला को एक जगह लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, टेन सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। तीनों मेन फार्मूला और इसी से सब फार्मूला को डिराइव किया जाता है। जैसे दूसरा फार्मूला को यूज करके बताते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं इधर आएगा तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा को इधर लेके जाएंगे और इसको इधर लेके आएंगे तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। यही हुआ टेन का ऑल ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला।